बैंकॉक से आधा घंटा दूर, आधा या पौना घंटा दूर है ये जगह, और ये है आइकिया। आइकिया में हम लोग आए क्योंकि हमारे घर में हमारे मेहमान आने वाले हैं, और मेहमानों को रखने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करनी है, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गद्दा। दो कम से कम भी 10 या 11 फीट की तो ये लिफ्ट ही लिफ्ट है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े ट्रॉलीज आती है ना, क्योंकि आइकिया फेमस है डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ फर्नीचर से, तो सारी की सारी ट्रॉली इससे आती है। तो एक ये बड़ी लिफ्ट है और एक यहाँ पे ये छोटी वाली, तो हम छोटी वाली लिफ्ट से जाते हैं अंदर। बहुत बड़ी रोड ट्रिप शुरू होने वाली है हमारी, और हमारे स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हैं वो रोड ट्रिप पे हमें ज्वाइन करने के लिए। तो हम 10 दिन तक हम हमारी गाड़ी, हमारे होटल्स और हमारा लोकेशन, बस वही सब होगा। तो उसकी तैयारी करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। वेलकम टू आइकिया। आइकिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर अगर मैप नहीं देखा ना तो 2-3 घंटे तक हम घूमते रहेंगे और पता नहीं क्या क्या ले लेंगे, और जो लेने आए हैं वो लेंगे नहीं। तो अच्छा है कि हम यहाँ पे देख ले। तो हम हैं अभी यहाँ पे, या फिर तो बेडरूम वाले में मिलेगा या फिर होम ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। तो बेडरूम जाने के लिए इससे ऊपर वाला फ्लोर लेना है। तो क्या क्या नहीं है यहाँ पे, कुप्पी भी है। ये फर्स्ट फ्लोर पे आके यहाँ पे पूरा फैमिली और बेडरूम, किचन और उन सब के सेटअप्स बने हुए हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है, इसमें 4-5 फोल्ड हो जाते हैं, और जो फोम है वो ठीक ठाक ही है, तो और 890 का है। तो ये एक ऑप्शन है, ये अच्छा होता है, उतना भी ज़्यादा स्टडी नहीं है बट कुछ दिनों के लिए ठीक रहता है। लेट्स सी, एक तो ये शॉर्टलिस्ट हो गया, अगला देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके गद्दों के, पर गद्दा ये वाला है, इसका भी सेम है, 3 फोल्ड हो जाएंगे इसके भी, पर ये है 3,200 का, 3,200 बाद, मतलब 7,500 रुपये का एक। पर हमें इसे वन टाइम के लिए चाहिए, तो वन टाइम के लिए पर देखते हैं शायद कुछ और भी ऑप्शन हो। तो मेरे हिसाब से गद्दों में तो आइकिया में वही दो ऑप्शन है। नहीं नहीं, अभी बाकी सेक्शन भी है होम ऑर्गेनाइजर वाला, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलो तो वहाँ चलते हैं। ऐसा किचन हो ना तो पूरा दिन बस खाना ही बनाते रहो, सीरियसली बड़ा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। हाँ, और ये पूरा वैसा सेटअप बनाया है बारबेक्यू टाइप का। तो फाइनली हमने पसंद किए ये वाले गद्दे, जो 5 वाले फोल्ड हो जाते हैं। 890 का एक पड़ा है और बड़ा कंफर्टेबल है। आई थिंक हम तो इसे बीच पे भी ले जा सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज हो गया अब हमारे लिए। 8:30 बज चुके हैं रात के, तो मोस्टली तो मेरे हिसाब से बंद होने वाला होगा, और बाकी जो हमें रोड ट्रिप की शॉपिंग करनी है वो कल करेंगे। चुके हैं डिकैथलॉन, और यहाँ पे हमें लेना है फोल्डेबल चेयर और टेबल, उसके बाद हमें लेना है एक बर्नर, और उसके साथ हमें लेना है ट्रैवलिंग का थोड़ा सामान, जैसे कि ट्रैवलिंग बैग और वाटर बॉटल्स, और बाकी जो अंदर हमें दिखेगा कि हमें उसकी चीज़ की ज़रूरत है वो हमें लेनी है। तो बिना किसी डिले किए चलो आपको लेके चलते हैं डिकैथलॉन, और ये बैंकॉक का सबसे बड़ा डिकैथलॉन है जो है बांगना में। पिकनिक टाइप की चेयर्स तो ये सबसे बढ़िया है, एकदम लाइट वेट, और कॉस्ट के अंदर भी बड़ी सही है, 450 में। कंफर्ट देख लेते हैं एक बार इसका, बैठ के भी अच्छी है, पर हाथ रखने के लिए कुछ नहीं है, आर्म रेस्ट। तो आर्म रेस्ट के लिए इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इस वाली चेयर में आर्म रेस्ट भी है, और सिर्फ 100 बात इससे ज़्यादा महंगी है, तो 550 में, 550 मतलब इंडियन के हिसाब से 1200 रुपये के आसपास पड़ेगी। ये अच्छी है यार, इसके अंदर आर्मरेस्ट भी है, और यहाँ पे कुछ अगर चाय का या कैन या कुछ रखना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। हाँ, तो लेट्स बाय दिस। और फोल्ड होके ये इतनी सी हो जाती है, तो ये है वो वाली चेयर, और यहाँ से ऐसे को पकड़ा, ये उठाया, और कहीं पे भी पहाड़ी पूड़ी पे चले गए। आई थिंक चेयर तो फाइनल हो गई, ये वाली हम 2 उठा लेते हैं। yep. है ना? हाँ, ये 2 उठा लेते हैं।
अच्छा, अब इसके साथ ये तो ले ली, तो साथ में चाय चोई पीने के लिए साइड में रखने के लिए भी कुछ सामान चाहिए होगा। दिस वन इज हीट रेजिस्टेंट, इफ वी कीप समथिंग हॉट ऑन दिस। ओके, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? Yes. और कुर्सी के साथ मैच भी कर रहा है। हाँ। और इसकी भी पैकिंग बड़ी सही है, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है, बट जब ये पैक हो जाएगा तो ये Perfect. इसमें आ जाएगा। कॉम्पैक्ट एकदम। और अगेन डीकैथलॉन टाइप में ये इस तरह से उठाया और चलते बने। चलो तो लेट्स बाय दैट। बैठ के चाय पीने का इंतजाम तो हो गया, पर चाय बनानी कैसे है, उसके लिए स्टोव चाहिए, तो स्टोव ढूंढते हैं। चलो वैसे तो हम टेंट लेने आए नहीं हैं, पर फिर भी टेंट का एक रेट बता देते हैं। तो ये 1100 बात का है टेंट, जिसके अंदर दो लोग आराम से सो सकते हैं। 1100 बात 2500 रुपए के आसपास का। ये है नहाने के लिए और ऊपर से स्पेस भी दिया हुआ है, पानी वानी डालने के लिए ऊपर से स्पेस दिया हुआ है। कितने का है ये? 1500 का। अच्छी एक्सेसरी है। हमें मिला ये कॉम्पैक्ट सा बर्नर, ये बर्नर है 1000 बात का और छोटी सी चीज़ है पर बड़ा पावरफुल सा लग रहा है। और ये है 1 या 1.5 किलो का प्रोपेन गैस का टैंक, ये हमें कहीं और से मिलेगा, तो ये हमें कहीं और से खरीदना है। और इसके ऊपर आराम से ये लगाया और चाय चोई बनाने के लिए हम लोग रेडी। और ये है इसका लाइटर, तो यहाँ पर करके ऑन और यहाँ से गैस को हम कंट्रोल करेंगे। तो ये बन गया, ये बन गया ऐसे को। और उसके बाद हमें लेना है या फिर ये और ये, बस हमारी चाय भी रेडी, हमारी मैगी भी रेडी। 1000 बात का है ये, 1000 बात मतलब 2200 रुपये इंडिया के हिसाब से। और बर्नर का तो अब हमें जाके ही पता लगेगा, मेरे हिसाब से ये 500-600 के आसपास का भर जाना चाहिए। और ये बर्तन हमें देखने पड़ेंगे, बर्तन है अराउंड 300-400 बात के आसपास शुरू हो रहे हैं। तो हम देखते हैं घर पर हमारे पास कुछ है या फिर यहीं से लेना पड़ेगा। तो कुर्सियाँ भी ले ली जिसके ऊपर बैठ के पियेंगे, टेबल भी ले लिया जिसके ऊपर चाय रखेंगे, और कैसे बनाएंगे वो भी ले लिया। बर्तन शायद हमारे घर पे है तो हम वही वाला यूज़ करेंगे। ये क्या बन गया? गर्मी से बचने का सारे उपाय। ये एकदम जापानी सोल्जर्स पहनते थे वर्ल्ड वॉर में। लग रहा है, उतार दे इसको। नहीं? नो। हो गया। बैग 300 का डन। मेरे हिसाब से अब हमें घूमना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें जितना लेना था हमने ले लिया है। अब और घूमते रहे तो अब हम और खरीदते रहेंगे और ओवर बजट चले आएंगे। तो अब बंद करो, बंद। कितने का चुना लगा? 3750, 8000 के आसपास। अच्छा ठीक है, INR में मत कैलकुलेट कर अब। 8000। शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है कम्प्लीट। अब हमें एक चीज और लेनी है, जिसके लिए हमें यहाँ पे नहीं कहीं और जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, क्योंकि साल खत्म होने वाला है। साल खत्म होना चाहिए एकदम बिंदा। तो सारा सामान ले लिया, सब तैयारियां हो गई हैं। अब फाइनल बचा गाने बजाने की तैयारी। अब इतना बड़ा रोड ट्रिप है यार, आसपास रुकेंगे तो गाना बजाना तो होना चाहिए। तो पोर्टेबल स्पीकर था हमारी लिस्ट में लास्ट में, तो ये वाला है वो पोर्टेबल स्पीकर मार्शल का। ये ब्रांड मेरे को बड़े टाइम से लेना था, अब हम ले रहे हैं मार्शल का स्पीकर, पर ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला या फिर ये हमें पसंद आया है सबसे छोटा वाला। तो ये कर लिया हमने फाइनल स्पीकर मार्शल विलेन, ये वाला बड़ा अमेजिंग है पोर्टेबल स्पीकर कैटेगरी में। वाटर प्रूफ है, माइक्रोफोन है और 16 घंटे तक इसकी बैटरी लाइफ चलती रहती है। अब रोड ट्रिप की शॉपिंग पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अब अगले ब्लॉग में आप देखेंगे हमारी रोड ट्रिप, जो कि चलने वाली है कम से कम भी 10 दिन। तो आप भी इंजॉय करो और हम भी इंजॉय करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।